नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हेलो एल्केन तथा हेलो एलियंस के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपचयक समूह है, फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो तथा पेरा निर्देशक है क्यों, इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने से पूर्व हेलो एलियंस में पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा कर ले ताकि हमें यह प्रश्न समझने में आसानी हो। तो हेलोएरिन इस प्रकार से बेंजीन के साथ में कोई भी हेलोजन जब जुड़ता है तो दो प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होंगे। क्योंकि हेलोजन बेंजीन के उस कार्बन की तुलना में अधिक ऋण विद्युतीय होता है जिसके साथ में वह जुड़ा होता है, तो हेलोजन परमाणु अधिक ऋण विद्युतीय होता है कार्बन की तुलना में, तो यहां पर एक प्रभाव उत्पन्न होगा जिसे माइनस आई इफेक्ट या ऋणात्मक प्रेरणित प्रभाव या माइनस इंड्यूस्ड इफेक्ट कहते हैं। तो जब हेलोजन परमाणु बेंजीन के कार्बन के साथ में जुड़ता है तो एक प्रभाव उत्पन्न होगा ऋणात्मक प्रेरणित प्रभाव। दूसरा प्रभाव, कोई भी हेलोजन परमाणु हो उसके बाह्य कोष में तीन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे। इस प्रकार से समझने के आधार पर एस में दो इलेक्ट्रॉन, पीएक्स में दो इलेक्ट्रॉन, पीवाई में दो इलेक्ट्रॉन और पीजेड में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसके साथ में हेलोजन परमाणु बेंजीन के कार्बन के साथ में सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ जाता है। तो किसी भी हेलोजन परमाणु जो बेंजीन के वलय के साथ में जुड़ा होता है उसमें तीन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अणु से विस्थापित होकर दूरस्थ परमाणु की ओर हो जाता है, अर्थात लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का विस्थापन बेंजीन के कार्बन की ओर विस्थापित हो जाता है और विस्थापन के कारण एक प्रभाव उत्पन्न होगा जिसे हम कहेंगे प्लस एन इफेक्ट या प्लस मेसोमेरिक प्रभाव या प्लस रेजोनेंस प्रभाव। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी उदाहरण ले सकते हैं हेलोजन के स्थान पर। तो हेलोजन में तीन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों का विस्थापन बेंजीन के कार्बन की ओर विस्थापित होने की वजह से, अर्थात दूर विस्थापित होने की वजह से एक प्रभाव उत्पन्न होगा जिसे प्लस मेसोमेरिक प्रभाव या आर रेजोनेंस प्रभाव कहेंगे। हमने हेलो एरिस पर होने वाले प्रभाव पर चर्चा की, अब आइए इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के कारण अपचायक समूह है। जब क्लोरीन बेंजीन के साथ में जुड़कर क्लोरोबेंजीन बनाता है तो क्लोरीन पर तीन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन रिंग की ओर विस्थापित हो जाते हैं जिसको अभी हमने जाना प्लस एन इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट या मेसोमेरिक प्रभाव या रेजोनेंस प्रभाव। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों का विस्थापन बेंजीन के कार्बन की ओर हो जाता है तो ये द्विबंध ऊपर खिसक जाएगा और इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कार्बन पर आ जाएगा। इस प्रकार से ये द्विबंध ऊपर की ओर विस्थापित हो जाएगा इस प्रकार से, और इलेक्ट्रॉनों का घनत्व आर्थो स्थान पर हो जाएगा। पहली स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व आर्थो स्थान पर, ये इलेक्ट्रॉन विस्थापित होकर आगे पेरा स्थान पर चले जाएंगे और ये द्विबंध पीछे की ओर विस्थापित होगा, ये इस प्रकार से पीछे विस्थापित हो जाएगी इस प्रकार से। तो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बेंजीन में क्लोरोबेंजीन में अनुनाद के कारण पेरा स्थान पर हो जाएगा और पेरा स्थान से पुनः आर्थो स्थान पर, तो ये द्विबंध पुनः पीछे की ओर विस्थापित हो जाएगा इस प्रकार से, ये द्विबंध पीछे की ओर विस्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन में अनुनाद के कारण या धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव के कारण
आर्थो स्थान एवं पेरा स्थान पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक हो जाता है। क्योंकि क्लोरोबेंजीन में दो प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं, एक धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव और एक माइनस प्रेरणित प्रभाव या माइनस इंड्यूस्ड इफेक्ट। और इन प्रभाव के कारण क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व सामान्य बेंजीन की तुलना में कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती तो है किंतु कठिनाई से होती है। तो फिर भी इलेक्ट्रॉनों का घनत्व आर्थो एवं पेरा स्थान पर अधिक होने के कारण इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बहुत कठिनाई से होती है। और जो यौगिक जुड़ते हैं या इलेक्ट्रोफिलिक समूह जो जुड़ते हैं वो आर्थो एवं पेरा समूह पर जुड़ जाते हैं। आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से हेलोहैलेंस में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को जाने। तो यहां पर एक उदाहरण लेंगे, क्लोरो बेंजीन का हेलोजनीकरण कराएंगे क्लोरोबेंजीन का। तो यहां पर हम क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, क्लोरोबेंजीन का हेलोजनीकरण कराएंगे। क्लोरीन या आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे FeCl3। आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो चूंकि अभी हमने जाना आर्थो एवं पेरा स्थान पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल समूह आर्थो स्थान एवं पेरा स्थान पर जुड़ जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन का आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में हेलोजनीकरण कराएंगे तो आर्थो एवं पेरा डाइक्लोरोबेंजीन के समावय में प्राप्त होंगे। इस प्रकार से क्लोरीन और आर्थो स्थान पर क्लोरीन जुड़ जाएगा, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन प्लस पेरा डाइक्लोरोबेंजीन। पेरा स्थान पर क्लोरीन जुड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का घनत्व पेरा स्थान पर है, और आर्थो स्थान पर जुड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का घनत्व आर्थो स्थान पर है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न था, क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपचयक समूह है फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो तथा पेरा निर्देशक होता है, क्यों? तो आर्थो एवं पेरा निर्देशक इसलिए होता है क्योंकि आर्थो स्थान एवं पेरा स्थानों पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, ये उदाहरण के तौर पर हमने समीकरण लिखी थी, आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन और यहां पर लिख सकते हैं पेरा डाइक्लोरो बेंजीन। ये उदाहरण के माध्यम से हमने इस महत्वपूर्ण प्रश्न को जाना। धन्यवाद।